दुनिया की सबसे पहली माने जाने वाली कोरोना वैक्सीन रूस की स्पुतनिक 5 की क्षमता पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। स्पुतनिक 5 के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में जिन लोगों को स्पुतनिक 5 वैक्सीन दी जा रही है उनमें से हर 7 में से एक शख्स में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। खुद रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन लगाने के बाद 7 वॉलंटियर्स में से एक ने इसके साइड इफेक्ट की शिकायत की है। सरकार द्वारा संचालित होने वाली न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक रूसी स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा कि अब तक घोषित 40,000 वॉलंटियर्स से 300 से अधिक को स्पुतनिक 5 का टीका लगाया गया है। बता दें कि रूस ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन को मॉस्को के गामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के साथ मिलकर विकसित किया है। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल ने मॉस्को टाइम्स को दिए गए बयान के हवाले से समाचार एजेंसी टास ने कहा कि जिन वॉलंटियर्स को ये कोरोना वैक्सीन दी गई उनमें से लगभग 14% में साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। इन साइड इफेक्ट्स में हल्की कमजोरी, 24 घंटे तक मांसपेशियों में दर्द और शरीर के तापमान में वृद्धि आदि शामिल है। हालांकि इन लक्षणों को हल्का बताते हुए उन्होंने कहा कि ये अगले ही दिन गायब हो गए। TASS के अनुसार वैक्सीन की ये शिकायतों के अनुमानित है और यह पहले ही बता दिया गया था। उम्मीद की जा रही है कि वॉलंटियर्स को पहले डोज के 21 दिन के भीतर ही दूसरी खुराक दी जाएगी। बता दें कि अभी स्पुतनिक 5 के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और भारत में भी इसके ट्रायल और वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से समझौता हुआ है। इसी महीने की शुरुआत में मॉस्को में इस वैक्सीन के फाइनल स्टेज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है। बता दें कि हाल ही में रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड ने भारत की प्रमुख दवा कंपनियों में से एक डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के भारत में क्लिनिकल ट्रायल में सहयोग और वितरण के लिए समझौता किया है। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।